हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेनाडिंग। तो आज जो स्टॉक का डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम टाटा मोटर्स है। हम लोग ये स्टॉक से बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है ऑटो सेक्टर का। टाटा ग्रुप्स के द्वारा रन किया जाता है स्टॉक, में प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा बनता है, हमें इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ट्राई करेंगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे टाटा मोटर्स का, ताकि हमें एवरी प्राइस एक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें मंथली टाइम फ्रेम पे चलना होगा। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे मंथली का प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टॉक में एक डाउन मूव के बाद एक शानदार रैली आई और अगेन मार्केट एक करेक्शन का फेज में है। ये करेक्शन का फेज है और स्टॉक डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो काफ़ी लोग इसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग भी वही ट्राई करेंगे कि कहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट और कहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मिलता है, ताकि हम एक बढ़िया एंट्री बना सके अपना और स्टॉक को वहाँ से ट्रैक कर सके कौन सा लेवल हमारे लिए अच्छा रहता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये मंथली पे एक ये कंसोलिडेशन रेंज था, जिसको हम एक्युमुलेशन रेंज भी कहते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा रैली आई। तो ये जो रेंज होता है, ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने हर एक वीडियो में इस टाइप का रेंज को डिस्कशन किया हूँ कि ये रेंज जहाँ से ब्रेकआउट होता है वहाँ पे बायर्स का बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है, बड़े प्लेयर्स का। तो अगेन जब प्राइस उस पॉइंट पे आती है तो वहाँ से एक सपोर्ट मिलने का बहुत ही ज्यादा चांस होता है स्टॉक को, क्योंकि वो स्विंग के नीचे प्राइस को क्लोज नहीं होने देते हैं जिन्होंने इतना ज्यादा पैसा लगा के इसको ब्रेकआउट दिलवाया है। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे ऑर्डर का एक्युमुलेशन हुआ है। लोअर टाइम फ्रेम पे हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं, अगर इसको और भी रिफाइन करें और सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, जो हम क्लियरली देख सकते हैं। यहीं से एक ब्रेकआउट आया था स्टॉक में और काफी अच्छा ब्रेकआउट आया था, स्टॉक काफी ऊपर गया था। अगेन एक करेक्टिव फेज पे स्टॉक और अभी प्राइस से ये जो सपोर्ट है बहुत ही दूर है। तो हम और भी अपॉर्चुनिटी वीकली या डेली पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें इसका वेट भी कर रहे हैं तो हमें और जो बीच में पॉसिबिलिटी मिलेगी छोटे छोटे 3-4% का, वो हम मिस ना करें। तो हम वीकली पे चलते हैं। वीकली पे अगर हम अपना चार्ट देखें तो वीकली पे भी स्ट्रक्चर क्लियरली बेरिश है। मैं आज स्टॉक को इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये वीक क्लोज होने वाला है और स्टॉक ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है बियर्स लोग के लिए, क्योंकि ये जो स्विंग था एक मेजर सपोर्ट था, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग था, जिसके नीचे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है वीकली कैंडल का, जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि सेलर भी बहुत ज्यादा डोमिनेंट और अग्रेसिव है। तो हमें यहाँ पे बहुत केयरफुली रहना पड़ेगा, क्योंकि बाइंग किसी भी साइड पर आना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि जब स्टॉक अगर ऐसे डाउन आ रहा है इस टाइप का कैंडल बना के, तो हमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यू कर सकता है। और हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारा काफी दूर है, प्राइस का स्पेस है नीचे आने का। तो वीकली पे एक और चीज अगर हम नोटिस करें तो वीकली पे हम क्लियरली ये एक जोन मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना, ये एक जोन हम मार्क कर सकते हैं। ये जोन कौन सा जोन है, जिस टर्म ने LTI पे डिस्कशन किया था कि LTI में क्या हुआ था, ये रेजिस्टेंस ये ब्रेकआउट। अगेन ये जब रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट होता है तो वही रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है, उसी को हम रिटेस्ट मेथड भी कहते हैं। तो ये जो जोन है काफी रिटेलर्स को दिखता है, ये जो जोन होता है तो बड़े प्लेयर्स का SL हंट करने के लिए रेडी रहते हैं। तो मे बी स्टॉक इसका SL हंट करने के बाद चल दे या फिर यहाँ से आके चले, तो इसके लिए भी हमें रेडी रहना है और इस चीज के लिए भी हमें रेडी रहना है। तो अगर हम बात करें डेली पे कि डेली पे कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो डेली पे कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर से स्टॉक नीचे आ रहा है, कंटिन्यूस वे में नीचे आ रहा है। यहाँ पे एक हम राउंडिंग बॉटम बनते हुए भी राउंडिंग कप पैटर्न जिसको बोलते हैं वो भी बनते हुए देख सकते हैं, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हमें सपोर्ट और अपना प्राइस एक्शन पर काम करना है। तो हम ये पे देखें कि वही कंसेप्ट, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, अगेन ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, मगर कंटिन्यूसली जिस तरह से मैं बोलते आ रहा हूँ कि ये सबको जो सबको दिखता है उसमें पैसे नहीं बनते हैं, तो ये सपोर्ट ट्रैप भी हो सकता है और ये स्टॉक यहाँ तक नीचे आ सकता है। अगर हम इस सपोर्ट की बात करें तो डेली पे ये जो एरिया है, मैं मार्क कर देता हूँ, डेली पे ये जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ से भी एक सेलिंग के बाद एक अच्छा बाइंग आई थी और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई की और जाने की कोशिश करी थी। तो ये इस एरिया को भी हमें बहुत इंपॉर्टेंस देना है। और उसके बाद अगर हम डेली पे और भी प्राइस एक्शन को स्टडी करें तो ये स्विंग के नीचे क्लोज होते हैं, स्टॉक बहुत ज्यादा बियरिश हो गया। और ये जो एरिया है, ये अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स थे, सेलर्स यहाँ पे एंटर नहीं किए थे, या फिर यहाँ पे सिर्फ बायर्स का ही मूव चला था। तो ऐसे जोन में सपोर्ट नहीं मिलता है, सपोर्ट ऐसा जोन होता है जहाँ पे बायर सेलर कंटिन्यूअसली फाइट करें
कंसोलिडेशन रेंज बने, ब्रेकआउट है, तो ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है। मगर जहाँ पे सिर्फ बायर्स या सेलर्स होंगे वो एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस कभी काम नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करें तो इस पे हमें कन्फर्मेशन एंट्री लेना पड़ेगा, क्योंकि मे बी ये स्विंग अगेन स्टॉक रिजेक्ट होकर नीचे आ जाए, या फिर ये जो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो रहा है स्टॉक में वो कहीं जाके यहाँ पे आके सपोर्ट ले। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। अगर हम डेली पे और भी लेवल्स को क्लियर करें तो डेली पे हमें ये लेवल्स बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। अगर हम इन लेवल्स की बात करें या फिर हम डेली पे, मैं ये सपोर्ट को रिमूव कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ गया, ताकि मैं बहुत अच्छा सपोर्ट ड्रॉ कर सकूँ। हम ये सपोर्ट की बात करें डेली पे, तो ये डेली का एक सपोर्ट है जो कि कुछ दिन के लिए प्राइस को होल्ड सस्टेन या थोड़ा सा अप मूव ले जा सकता है, लेकिन अल्टीमेट हमारा टाटा मोटर्स में 311 का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है। क्योंकि अगर हम जो हमने मंथली पर डिस्कशन किया कि यहाँ पे ऑर्डर्स एक्युमुलेट हुए, एक एक्युमुलेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो ये स्विंग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्विंग होता है। तो ये स्विंग को बड़े प्लेयर्स होल्ड करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से प्राइस एक सपोर्ट ले सकती है। तो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी। हमने टाटा मोटर्स का एनालिसिस कर दिया। कोई भी डाउट हो तो आप हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। थैंक यू।